तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? फिर से एक नई वीडियो के अंदर स्वागत है। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि कभी ना कभी हमारे मन में ये तो क्वेश्चन आया ही होगा ज़रूर, जो भी कार ओनर है, कि जो हमारी गाड़ी है वो मैक्सिमम वेट कितना उठा सकती है और कितनी ही स्पीड अचीव कर सकती है। देखो, स्पीडोमीटर के अंदर तो देखो अलग अलग दिए थे, किसी के अंदर 220, किसी के अंदर 180। 180 से नीचे शायद नहीं है किसी कार में, आज की मॉडर्न कारें जो पहले होती होगी। तो कभी ना कभी ये दिमाग में तो आया ही होगा कि टॉप स्पीड यानी कि कितना जा सकता है। तो वो देखो, वो इंजन के ऊपर नहीं होता, वो होता है हमारी गाड़ी के टायर का। टायर का क्या लेना देना होता है स्पीड और लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो मैं आज आपको यही बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग वीडियो देख लेते हो और सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते। तो देखो, बेसिकली जो हमारी गाड़ी होती है और जो गाड़ी के टायर साइज़ होते हैं, देखो अलग अलग होते हैं, यानी कि कार के चारों होते हैं वो तो सेम होती हैं, गाड़ी के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो देखो, वैगन आर के अलग होंगे, बलिनो के अलग होंगे, विटारा ब्रेजा के अलग होंगे, आल्टो के अलग होंगे। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, ये है वैगन आर का टायर साइज़। टायर साइज़ कितना है? 155। तो देखो इसका टायर साइज़ कितना है, ये लिखा हुआ है 155। गंदी और घे कार, कोई नहीं, चलो थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ मैं। तो ये है 155 65 R14। तो देखो 155 क्या होती है, 155 ये होती है गाड़ी की ये चीज़, चौड़ाई कितनी है 65 है, ये चीज़ वॉल कितनी है यानी कि इसकी साइड की जो प्रोफाइल है ये कितनी है, ये 65, ये 155। और जो R14 है, R14 यानी कि ये जो हमारा व्हील है नीचे स्टील रिम है, इसका साइज़ कितना है, ये है 14 इंच के, यानी कि जो इसका स्टील रिम है ये है 14 इंच का। तो देखो आपको दिख रहा होगा 75, तो ये 75 क्या चीज़ है, आपको 76 नज़र आ रहा होगा पर ये 75 है। मैं थोड़ा सा चलो आगे से दिखा देता हूँ, ये देखो 75 T 75 है, 76 नहीं है। तो हर गाड़ी का अलग अलग होता है। अब जैसे कि है इसका 75 T, तो 75 क्या कर रहा है, 75 प्रेफर कर रहा है, 75 है इसके अंदर क्या है, कोडवट दिए होते हैं। जैसे कि 75 है तो जो इसका एक टायर है गाड़ी का वो 387 kg तक का वेट होल्ड कर सकता है, यानी कि गाड़ी के अंदर मान लो अगर हम कोई वेट रख दे भारी, तो हर टायर के ऊपर वेट इतना आएगा 387 किलो, 387 kg, ये एक टायर का बता रहा हूँ। अब आप करके देख लो, तो 387 मल्टीप्लाई 4 कर लो आप, तो उतना वेट गाड़ी के जो टायर हैं वो होल्ड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करेंगे तो क्या है, गाड़ी का टायर फट सकता है या कुछ भी डैमेज हो सकता है। ये तो मैन्युफैक्चरर है, यानी कि जो गाड़ी का टायर जहाँ से बना है, जैसे कि इसका है ये गुडियर का है, तो गुडियर है वो इतना देती है, यानी कि जो गाड़ी की स्टॉक थी मारुति सुजुकी, उन्होंने वैसे दे रखा है, कंपनी ने ये डिज़ाइन किया हुआ है, यानी कि मैन्युफैक्चरर इसकी गुडियर है। जो इससे पहले अपोलो के थे उसमें भी यही था, 155 65 R14 और 75 T। 75 है यानी कि जो इसका एक टायर है गाड़ी का वो 387 किलो तक का वेट कर सकता है। और आप सोच रहे होंगे टी है, ये मैक्सिमम स्पीड होती है वो बताता है गाड़ी की। जो 75 था वो था वेट कैरिंग कैपेसिटी, टी स्पेसिफाई करता है गाड़ी की जो स्पीड है, यानी कि जो गाड़ी का टायर है वो कितनी स्पीड मैक्सिमम अटेन कर सकता है, अटेन यानी कि कितना पकड़ सकता है। तो इसका है 190 किलोमीटर पर आर। पर आप लोग कहोगे कि वैगनर गाड़ी है जो, इसके अंदर तो 180 दे रखी है। देखो मैंने पहले ही कहा था, जो गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं होती, जैसे इसका 180 दे रखा है। पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 180 गाड़ी पहुंच ही नहीं सकती जितना मैक्सिमम दिया होता है। कोई भी कार हो वो पूरा का पूरा पहुंच ही नहीं सकती। अब जैसे कि शायद ब्रेजा के अंदर 220 पता नहीं 240 कुछ ऐसी है, तो वो 220 तक तो पहुंच ही नहीं सकती, उससे 10 या 20 कम ही पहुंचेगी। पर देखो जो टायर है वो मैक्सिमम कर सकता है 190 की। अब ये 190 की कैसे कर सकता है, या तो इसकी टेस्टिंग हो रखी है पहले, टेस्टिंग होती है तभी, वैसे इसको तो लॉन्च किया जाता है प्रोडक्ट को तभी पास किया जाता है, तो ये 190 किलोमीटर पर आर की कर सकता है। और मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ, उससे आप और पता लगा सकते हो कि और जो टायर के साइज़ हैं वो कितना अचीव कर सकते हैं, यानी कि कितनी पकड़ सकते हैं, लोड कैरिंग कितना होल्ड कर सकते हैं और कितनी स्पीड कर सकते हैं। तो आप ये चार्ट देखना, उससे आप पता लगा लोगे आपकी कार का भी कितना है।